Hey everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स फॉर्म्ड एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो कि 45% होता है टोटल ब्लड का, जो कि ये हमारी पार्ट सेकंड वीडियो हो जाएगी रिटन नोट्स के फॉर्म में। इसके बारे में इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ब्लड और उसका डेफिनेशन और प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो देखो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं और कितने हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपको इस पूरे के पूरे चार्ट का, फ्लो चार्ट जो भी हमारा है, इसका मैं आपको मतलब कि पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो मेरी वीडियोस से। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और आपको अलग से नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं। ये मैंने एनसीईआरटी की ही लाइन को कवर करते हुए और उसके हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने कवर करके अपने नोट्स में शामिल किया है। अगर आप ये सिर्फ एक अगर एक स्क्रीनशॉट भी ले लेते हो ना इस पूरे वीडियो मतलब पूरे चार्ट का, तो आपको अलग से पढ़ने का, अलग से कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप इसमें मैंने मेंशन कर रखा है। मैं समझ सकती हूँ कि नीट हो या फिर बोर्ड लेवल पे कितनी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो आप अलग से आप कुछ नहीं करिए, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, बस आप मेरे वीडियोस को देखिए और साथ ही साथ इसका जो भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ आप बस उसको कवर कीजिए। तो देखो बच्चों, जो सेल्स है या फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसमें तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले आता है एरिथ्रोसाइट, दैट इज कॉल्ड RBC। सेकेंड वन इज WBC, ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट। थर्ड वन इज प्लेटलेट्स, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। अब एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले RBC, डैट इज़ इरिथ्रोसाइट, ये सबसे ज़्यादा होता है, डैट इज़ मोस्ट अबंडेंट है पूरे ब्लड में, ब्लड सेल्स में। सेकेंडली, इसका जो वॉल्यूम है वो 5 to 5.5 million पर mm³ ऑफ ब्लड है। इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका शेप बाइकॉनकेव होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है, प्रोटीन है बेसिकली, हीमोग्लोबिन नथिंग बट इट इज़ अ प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, और ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चे, उसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन की हम बात करें तो 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में पाया जाता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। जहाँ तक इसके फंक्शन की हम बात करें तो RBC का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसके अलावा अगर लाइफ स्पेन की हम बात करें तो RBC की जो लाइफ स्पेन है 120 days, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं लाइफ स्पेन ऑफ RBC। इसके अलावा अगर ग्रेवियार्ड की बात करें तो RBC कहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है, तो स्प्लीन में, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवियार्ड ऑफ RBC भी बोलते हैं। ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, डैट इज़ WBC, डैट इज़ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये कलरलेस होता है, इसके अंदर क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दूसरा कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। जहाँ तक वॉल्यूम की बात करें तो ये 6000 से लेकर के 8000 mm³ ऑफ ब्लड होता है। लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें तो ये दो तरह का होता है, ग्रैनुलेटेड और एक ग्रैनुलेटेड। इसी वीडियो के एंड में, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बता रखा है कि इस तरह का जब भी मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी तो हर एक वीडियो में जो भी मेरा शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड होगा, एक की पॉइंट मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो का की पॉइंट क्या होगा वो आपको आगे पता लगेगा। हो जाएगा तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स, दैट इज थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट की अगर हम बात करें, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेल फ्रैगमेंट होता है बेसिकली। ये मेगा कैरियोसाइट से बनता है, यानी कि इसको मेगा कैरियोसाइट से रिलेशन इसका है। इसके अलावा अगर हम इसकी काउंट की बात करें तो 1.5 लाख से लेकर के 3.5 लाख एक नॉर्मल इंसान में होता है। इसका काम होता है कोगुलेशन में, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी की पॉइंट्स ये है कि जो WBC होता है बच्चों, उसमें दो टाइप होता है। मैंने बता रखा है कि ग्रैनुलेटेड यानी कि ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरा होता है ए ग्रैनुलोसाइट्स। क्या फ़र्क है? तो देखो बच्चों, दोनों ही जो WBC हैं, दोनों ही के अंदर जो मतलब जितने भी WBC हैं उन सब के अंदर लगभग ग्रैन्यूल्स होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ ये जानना है कि ग्रैनुलोसाइट्स उस WBC को बोलते हैं जिसको स्टेन करने के बाद आपको दिखे, जैसे कि न्यूट्रोफिल दिखता है स्टेन करने के बाद, इस्नोफिल जिसको हम लोग एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, बेसोफिल, ठीक है। की पॉइंट अभी मैं बताऊँगी आपको। ए ग्रैनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स।
अब आते हैं कि कौन कितना परसेंटेज में होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों न्यूट्रोफिल होता है, मोस्ट अबंडेंट 60-65% फैगोसाइटिक इन नेचर होता है, दिस इज़ द की पॉइंट। और सबसे कम होता है बेसोफिल 0.5-1% यानी कि लिस्ट होता है, और सिक्रीट करता है हिस्टामिन। इसका स्क्वायरिंग करके आप याद कर सकते हो, H² हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन, तीन चीज़ें यहाँ से सिक्रीट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इसनोफिल होता है, इसीरोफिल, वो 2-3% होता है, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है। मोनोसाइट की अगर हम बात करें तो 6-8% होता है, फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। लिम्फोसाइट की अगर हम बात करें तो इसका दो टाइप होता है, 20-25% होता है, और ये दो टाइप में बी फॉर्म और टी फॉर्म होता है, इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।